नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक न्यू वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को तो पता ही है, रणवीर कपूर सर एनिमल से काफी ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर चुके हैं और हर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इनको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से रणवीर कपूर सर की काफी सारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट आने वाली है। इनके पास अभी काफी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है। तो चलिए देखते हैं रणवीर कपूर सर की कौन कौन सी फिल्म आने वाली है। तो अगर आप भी रणवीर कपूर सर के डाई हार्ड वाले फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। चोर और पुलिस की पहली फिल्म होने वाली है रामायण पार्ट वन। इस फिल्म का शूटिंग खत्म हो चुका है। यह फिल्म रणवीर कपूर सर की करियर की सबसे बड़ी बिग बजट फिल्म साबित होने वाली है। लगभग इस फिल्म का बजट 800 करोड़ बताई जा रही है, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस फिल्म में काफी ज्यादा खर्चा किया गया है। यह फिल्म रामायण के स्टोरी को ही दिखाएगी, लेकिन एडवांस वर्जन में दिखाया जाएगा, यानी कि विजुअल इफेक्ट वगैरह मॉडल जमाने के होंगे, यानी कि आज के। इस फिल्म में हम सभी को रणवीर कपूर सर भगवान श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। साथ ही साई पल्लवी सीता माता के रोल में नजर आने वाली है। वहीं रॉकिंग स्टार यश रावण के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं और सनी देओल हनुमान के किरदार को निभाने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन नितेश तिवारी सर दिए हैं। इस फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि इस फिल्म का रिलीज डेट रखा गया है 6 नवंबर 2020। की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है लव एंड वॉर। रामायण के फाइनल होते ही रणवीर कपूर सर ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर में काम शुरू कर दिए हैं। इस फिल्म में हम सभी को आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की तरफ से यह भी रिपोर्ट निकली है कि इस फिल्म का शूटिंग गर्मी के 2025 में खत्म हो जाएगा और इस फिल्म को 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। तो अगर इस फिल्म की तरफ से और कोई अपडेट आती है तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, फिल्मी अपडेट वाली वीडियो में। नंबर 3 पर धूम 4। कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें घूम रही है कि रणवीर वायरफ की अगली फिल्म धूम 4 में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। यह फिल्म धूम फ्रेंचाइज का चौथा इंस्टॉलमेंट होने वाला है। यह फिल्म के 3 पार्ट आ चुके हैं। इस फिल्म के मेकर्सों का कहना है कि धूम के 3 पार्टों से धूम 4 को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कही है, यानी कि 3 पार्टों से अलग बनाने वाले हैं फिल्म को और इस फिल्म के अंदर काफी भर भर के पैसा खर्च करने वाले हैं। इस फिल्म में हम सभी को सुपर स्टार सूर्या विलन के किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसा रिपोर्ट तो निकल कर काफी पहले ही आ चुका है। आप सभी को बता दूं, इस फिल्म का शूटिंग अगले साल के अंतिम महीने से शुरू हो जाएगा और इस फिल्म को 2027 तक में पर्दे पर उतारने की प्लानिंग है। तो इस फिल्म की तरफ से भी और अपडेट आती है तो आप सभी को जरूर बताएंगे। नंबर 4 पर रामायण पार्ट 2। रणवीर कपूर की नीतीश तिवारी वाली रामायण से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। यह फिल्म रामायण का सेकेंड पार्ट होने वाला है, का अनाउंस भी हो चुका है। यह फिल्म रामायण के फर्स्ट पार्ट से लिंक होगी। इस फिल्म को लेकर ज्यादा कोई अपडेट नहीं आया है, ओनली यह अपडेट है कि रामायण पार्ट 2 भी बनेगा अगर रामायण का पहला पार्ट अगर सक्सेस रहा तो। नेक्स्ट फिल्म एनिमल पार्क। एनिमल पार्क एनिमल का सीक्वल होने वाला है, जो कि इस फिल्म को डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा सर दिए थे और सेकंड पार्ट को भी संदीप रेड्डी वांगा सर ही डायरेक्शन देने वाले हैं। और इसी फिल्म के सफलता के बाद रणवीर कपूर के करियर में उछाल देखने को मिल रही है और इनकी लगातार बड़ी बड़ी फिल्म अनाउंस हो रही है। तो फिल्म एनिमल पार्क में भी काफी जल्दी शूटिंग शुरू होने वाला है और आप सभी को तो पता ही है एनिमल मूवी का लास्ट में ही अनाउंस हो गया था एनिमल पार्क का, जिसमें 2 कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं रणवीर कपूर सर, जो कि एक कैरेक्टर होने वाला है हीरो का और दूसरा कैरेक्टर होने वाला है विलन का। आप सभी को बता दूं, इस फिल्म का शूटिंग 2025 के अंत शुरू होगा, क्योंकि अभी संदीप रेड्डी वांगा सर स्प्रीड मूवी में काम करेंगे प्रभास के साथ। और यह भी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि इस फिल्म में काफी ज्यादा पैसा लगाया जाएगा और यह फिल्म सिनेमा घरों में 2029 तक आ सकती है। नेक्स्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। यह फिल्म ब्रह्मास्त्र का सीक्वल होने वाला है, जो कि 2022 में आई थी। जिस फिल्म का बजट था 400 करोड़ और फिल्म ने कलेक्शन की थी 418 करोड़ की, जो कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। लेकिन फिर भी मेकर्स इस फिल्म के सेकंड पार्ट के बारे में सोच रहे हैं और सेकंड पार्ट बनाएंगे मेकर्स, जो कि सेकंड पार्ट में देव के कैरेक्टर को दिखाने वाले हैं और इस रोल के लिए रणवीर सिंह एंड ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा है। तो आप इस रोल के लिए कौन से एक्टर को देखना पसंद करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। वैसे आप सभी को बताता चलूं, इस फिल्म को डायरेक्शन
आयान मुखर्जी देने वाले हैं और यह फिल्म भी रणवीर कपूर सर की बिग बजट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया है सामने। अगर इस फिल्म की तरफ से भी अपडेट आता है तो आप सभी को जरूर बताएंगे मूवी न्यूज वाले वीडियो में। नंबर 7 पर एक फिल्म आने वाली है राजकुमार हिरानी के साथ, ऐसा सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही है। इस जानकारी को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट तो नहीं आया है सामने, लेकिन ऐसा रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि राजकुमार हिरानी के साथ भी एक फिल्म आने वाली है रणवीर कपूर सर की। और रणवीर कपूर सर की राजकुमार हिरानी के साथ तो एक पहली भी फिल्म आ चुकी है संजू, जिसमें संजय दत्त के कैरेक्टर को निभाए थे और संजू बाबा के लाइफ को जिया था। तो यह सेकंड प्रोजेक्ट होगी शायद। अगर इस फिल्म की तरफ से भी ऑफिशियल एक बार अपडेट आती है तो आप सभी को जरूर बताएंगे। तो फाइनली ये थी रणवीर कपूर सर की 7 फिल्में। तो आप रणवीर कपूर सर की कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।